जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय राम जय जय राम रघुनंदन जय जय सिया राम रघुनंदन जय जय सिया राम जय जय श्री सीताराम। प्रिय भक्तजनों, रविंद्र जैन ग्रुप द्वारा प्रस्तुत की जा रही सुनो श्री राम कहानी के पिछले एपिसोड में आप सबने सुना कि कैसे महाराज दशरथ के मरण के बाद भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल से अयोध्या वापस आते हैं, कैसे भरत जी अपनी माता कैकेयी का परित्याग करके राज्य परिवार और अवध वासियों सहित श्री राम को मनाने के लिए अयोध्या से वन की ओर प्रस्थान करते हैं और श्रृंगवेरपुर में निषाद राजगुह से उनकी भेंट होती है। स्नेही भक्तजनों, सुनो श्री राम कहानी में अब आप सुनिए आगे की श्री राम कथा। भरत जी ने जब निषाद राज को गले लगाया तो उन्हें ऐसा लगा कि वे लक्ष्मण जी से गले मिल रहे हों। निषाद राज को इतने प्रेम से भरत जी के गले लगे देखकर देवता भी निषाद राज के भाग्य से ईर्ष्या करने लगे और वे निषाद राज के भाग्य की प्रशंसा करते हुए बोल पड़े, राम राम कही जय जमुहाई, तिनहि न पाप पुंज समुहाई, यह तो राम लाई उरलीना, कुल समेत जग पावन कीना, कर्म नाश जल सुर सर परही, तेही को कहू शीश नहीं धरई, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जो लोग राम राम कहकर जम्भाई लेते हैं अर्थात आलस्य से भी जिनके मुंह से राम जी का नाम उच्चारण हो जाता है, पापों के समूह उनके सामने नहीं ठहर पाते। फिर इस गुह को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने अपने हृदय से लगा लिया है और कुल समेत इसे जगत को पवित्र करने वाला बना दिया। कर्मनाशा नदी का जल भी अगर गंगा जी में पड़ जाए तो भला उसे कौन शीश पर धारण नहीं करेगा, अर्थात सब उसका सम्मान करते हैं। सारा संसार जानता है कि उल्टा नाम मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्मा के समान हो गए। भरत जी से मिलने के बाद निषाद राज गुरु वशिष्ठ जी सहित समस्त राज माताओं से मिले। सभी माताओं ने लक्ष्मण समान प्रिय जानकर निषाद राज को आशीर्वाद दिया। इसके बाद निषाद राज ने भरत जी के साथ आए हुए सभी अवधवासियों के लिए उचित सत्कार की व्यवस्था की। सबने गंगा जी में स्नान करके संध्या वंदन किया। भरत जी ने निषाद से कहा, हे तात, मुझे वह स्थान दिखाइए जहां भैया राम ने विश्राम किया था। चह सिंसु पापुनीत तरु रघुबर किए विश्राम, अति स्नेह सादर भरत केन उदंड प्रणाम। जहां पवित्र अशोक वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था,
भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम के साथ आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। इस वृक्ष के नीचे घास फूस और कुश का वह बिछौना भी पड़ा था जिस पर राम जी रात को सोए थे। वह सब देखकर भरत जी का मन करुणा से भर गया। वे रोने लगे और बार बार स्वयं को धिक्कार करने लगे कि कमल से भी कोमल शरीर वाले भैया श्री राम, सीता मैया और प्रिय लखनलाल इतने कष्ट से रहे हैं। भरत जी को शोक और पश्चाताप में डूबा देखकर निषाद राज ने उन्हें भांति भांति के शास्त्र सम्मत तर्क देकर समझाया और विश्राम करने के लिए प्रेरित किया। अंतर जामी राम सकुच सप्रेम कृपायतन चलिए करिए विश्राम यह विचारी दृढ़ आनी करी। निषाद राज के कहने पर भरत जी ने विश्राम किया और सवेरा होते ही सबने गंगा स्नान किया और आगे को प्रस्थान किया। निषाद राज की प्रेरणा से ढेर सारी नावें आ गईं और सारा अवध समाज सहजता से गंगा जी के उस पार उतर गया। गवने भरत पया देही पाए कोतल संग जाही डोरी आए सिर भर जाओ उचित अस मोरा सब ते सेवक धर्म कठोरा। माताएं पालकी में जा रही हैं, गुरुदेव वशिष्ठ जी रथ में जा रहे हैं, अवध समाज यथा योग वाहनों से जा रहा है, परंतु भरत जी बिना पादुकाओं के पैदल ही जा रहे हैं। ये देखकर सेवकों ने कहा कि प्रभु किसी वाहन पर सवार हो जाइए, तो भरत जी ने कहा कि मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सर के बल चलकर जाऊं, सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। इस प्रकार पैदल ही यात्रा करते करते भरत जी अपने पूरे समाज के साथ तीर्थराज प्रयागराज पहुंच गए। उनके पैरों में छाले ऐसे झलकते हैं जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें पड़ी हों। प्रयाग पहुंचकर सबने त्रिवेणी संगम में स्नान किया। जमुना जी का श्यामल और गंगा जी का श्वेत जल देखकर भरत जी राम जी और लक्ष्मण जी को याद करके भाव विभोर हो गए। वे तीर्थराज प्रयाग से प्रार्थना करते हुए बोल पड़े। सकल काम प्रद तीरथ राव वेद विदित जग प्रगट प्रभाव मांगौ भीख त्याग निज धर्म आरत काहु न करई कुकर्म अर्थ न धर्म न काम रुचि पदन चहौ निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। हे तीर्थराज प्रयाग, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रत्यक्ष रूप से प्रकट है। मैं अपना धर्म अर्थात न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूं। दुखी मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता। मुझे ना अर्थ अर्थात धन वैभव में कोई रुचि है,
ना ही धर्म की, ना काम की और ना ही मैं मोक्ष की कामना करता हूँ। हर जन्म में मेरा श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम बना रहे, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। हे तीर्थराज प्रयाग, आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के चरणों में मेरा प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। इस प्रकार संगम स्नान और तीर्थ वंदन करके भरत जी भरद्वाज जी के आश्रम आए। भरत जी ने भरद्वाज जी को दंडवत प्रणाम किया तो भरद्वाज जी ने भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी के मन में बड़ा संकोच था, क्योंकि भरत जी को यही लगता था कि राम भैया का वनवास उनके कारण हुआ है। इस ग्लानि से वे भरद्वाज जी के सम्मुख पश्चाताप और संकोच से गड़े जा रहे थे। महर्षि भरद्वाज ने भरत जी को सराहना करते हुए उन्हें बहुत समझाया। उनके स्वभाव, संकोच और राम जी के प्रति भक्ति की बहुत प्रशंसा की, साथ ही उन्हें यह भी पूर्ण विश्वास दिलाया कि राम जी के मन में तुम्हारे प्रति कोई द्वेष नहीं है, वे तो तुम्हें बहुत अधिक प्रेम करते हैं। भरत जी के स्वभाव राम प्रेम और महत्व को प्रमाणित करते हुए महर्षि भरद्वाज जी ने कहा, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिए दर्स न पावा, तेही फल कर फल दर्स तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। भरद्वाज जी ने कहा, तात भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम किसी का पक्ष नहीं लेते, ना किसी का विरोध करते हैं। हम तपस्वी हैं, हम वनों में उदासीन भाव से रहते हैं। सभी साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। सीता लक्ष्मण सहित श्री राम जी के दर्शन का जो महान फल प्राप्त हुआ है वो है तुम्हारा दर्शन, अर्थात सारे पुण्य कर्मों के फल से सीता जी और लक्ष्मण जी सहित भगवान श्री राम के दर्शन हुए और भगवान के दर्शनों के पुण्य फल से हमें आपका दर्शन मिला है। अब अपने समस्त अवधवासियों सहित हमारे आश्रम में विश्राम करो और हमारा आतिथ्य स्वीकार करो। महर्षि भरद्वाज जी ने अपनी तपस्या के बल से समस्त रिद्धि सिद्धियों को आमंत्रित किया और उन्होंने पलक झपकते ही सारे समाज के लिए देवताओं को भी दुर्लभ साधन और वैभव प्रस्तुत कर दिए। भौतिक संसार के भोग विलास का सारा साधन भरद्वाज जी के आश्रम में उपस्थित हो गया, जिसे देखकर भरत जी के साथ आया हुआ सारा समाज चकित रह गया। महर्षि भरद्वाज जी द्वारा प्रस्तुत किया गया वह अतिथि सत्कार स्वर्ग के वैभव को भी फीका कर देने वाला था। एक से बढ़कर एक सुंदर भवन, उसमें एक से बढ़कर एक भोग सामग्री, परंतु भरत जी का मन किसी में भी नहीं लग रहा था। संपत्ति चकई भरत चक, मुनि आयस खेलवार, तहिनिस आश्रम पिंजरा, राखे भाभिन
सा। वह सारी संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी है। भरत जी चकवा हैं और भरद्वाज मुनि की आज्ञा ही खेल है। जिसने उस रात आश्रम रूपी पिंजरे में दोनों को बंद कर रखा है और ऐसे ही सवेरा हो गया, जैसे किसी बहेलिए के द्वारा एक पिंजरे में रखे जाने पर भी चकवी और चकवा एक दूसरे को देखते तक नहीं, वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग विलास की सारी सामग्रियों के बीच में रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उन सामग्रियों का स्पर्श तक नहीं किया। धन्य है ऐसा कठिन व्रत और धन्य है ऐसा अनन्य भ्रातृ प्रेम। प्रिय भक्तजनों, ये था आज का प्रसंग। सुनो श्री राम कहानी में आज की कथा यहीं तक। अगले एपिसोड में हम आपको सुनाएंगे कि कैसे भरत जी प्रयागराज से चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते हैं और कैसे प्रकृति पग पग पर उनका साथ देती है। इन प्रसंगों को सुनते रहने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सदैव हमसे जुड़े रहें और अपने विचार भी हमें अवगत कराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सियाराम। सियाराम जय राम जय जय रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय राम जय जय राम।